हेलो फ्रेंड्स, एलबीएस एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इस अनोखी कक्षा में, जिसमें आज हम कुछ नया टॉपिक सीखने वाले हैं टैली के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टॉपिक और किस चीज़ के बारे में आज हम नई ट्रिक्स सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैकअप एंड रीस्टोर इन टैली, कि टैली में हम लोग बैकअप और रीस्टोर किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का वीडियो पर कमेंट आया है कि मैम एक बैकअप और रिस्टोर पर भी वीडियो बनाइए। सो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है बैकअप और रिस्टोर के ऊपर। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कंपनी का बैकअप बना सकते हैं और किस तरीके से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले उस कंपनी को ओपन कर लेंगे जिसका आपको बैकअप बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग अब बैकअप बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कंपनी को ओपन कर लिया है, LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कंपनियां ओपन है, तो अभी हम इसी का ही बैकअप बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बैकअप बनाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर है हम लोग प्रेजेंट, हमें जाना होगा कंपनी इंफॉर्मेशन की स्क्रीन पर। और कंपनी इंफॉर्मेशन की स्क्रीन पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, ओल्ट प्लस F3 का यूज करेंगे। तो चलिए फिर हम कर देते हैं बिना वक्त गवाए। तो मैंने ओल्ट प्लस F3 प्रेस किया। इसके बाद आपको यहाँ से दिख रहा होगा ऑप्शंस बैकअप का, तो हम इस कंपनी का सबसे पहले बैकअप बनाते हैं। तो यहाँ से बैकअप बनाने के लिए आप बैकअप पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका सोर्स आएगा एंड यहाँ आएगा डेस्टिनेशन। अगर आप स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं इसकी लोकेशन को चेंज कर दूं, मुझे अपने फोल्डर के अंदर या अपने आप बैकअप पेन ड्राइव में बना सकते हैं, आप बैकअप सीडी में बना सकते हैं, आप बैकअप किसी भी ड्राइव के अंदर भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइक मुझे अपनी ड्राइव के अंदर या अपने फोल्डर के अंदर बनाना है तो आप अपने फोल्डर की लोकेशन को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। सो जैसा कि अब मैं यहाँ क्या करूँगी, अपनी एक फोल्डर की लोकेशन को कॉपी कर देते हैं। तो चलिए देखें फोल्डर की लोकेशन को कॉपी कैसे करते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा ये एक फोल्डर बना हुआ है विशाखा बिल्स के नाम से, मुझे अपनी कंपनी का बैकअप इसी फोल्डर में लेकर आना है। तो आप इसकी लोकेशन को कॉपी करने के लिए राइट क्लिक प्रेस कीजिए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर जाइए, सिक्योरिटी पर जाइए और यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट नेम पूरी लोकेशन को कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वापस अपने टैली पर आइए और यहाँ डेस्टिनेशन पे उसको पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल ऑल्ट वी से आप इसे पेस्ट कर दीजिए एंड यहाँ से एंटर। आप किस कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हैं, मैं बनाना चाहती हूँ अपनी LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कंपनी का। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ से एंड ऑफ द लिस्ट कर दिया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं फोल्डर के अंदर यहाँ पर मेरा बैकअप बन के आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब सपोज करो कि आपकी कंपनी जो है डिलीट हो गई किसी कारण, आपको पता ही नहीं चला, किसी ने डिलीट कर दिया, किसी भी कारण से वो कंपनी डिलीट हो गई। तो देखिए जैसे कि हमने क्या किया, ऑर्डर पे आकर ऑलरेडी करके इस कंपनी को यहाँ से डिलीट कर दिया। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, LBS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हमारी कंपनी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कंपनी सर्च भी नहीं हो रही है, क्योंकि वो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, उसको डिलीट कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी का रिस्टोर ले सकते हैं, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम यूज करेंगे यहाँ से रिस्टोर का।
तो मैं यहाँ रिस्टोर को प्रेस करूंगी। आप किस रिस्टोर बनाना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, लाइक जिस कंपनी का हमने बैकअप बनाया था हम उसी कंपनी को स्टूडेंट्स रिस्टोर कर सकते हैं। लाइक मैं LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कंपनी को रिस्टोर करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैंने रिस्टोर ही सेलेक्ट किया इस कंपनी के लिए एंड इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा दिया। अब जैसे ही मैं स्टूडेंट एक्सेप्ट कराती हूँ तो हमारी कंपनी रिस्टोर होकर आ जाती है। आप यहाँ सेलेक्ट कंपनी पर जाइए और अब अपनी कंपनी को सेलेक्ट कीजिए, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है। तो यहाँ सेलेक्ट करके उसको ले आए हैं। तो देखा दोस्तों, आपने कितने ही आसान तरीके से बैकअप और रिस्टोर करना सीख लिया। तो ऐसे ही आसान तरीकों से सीखने के लिए मुझे फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही स्टूडेंट्स बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में। Till then, take care and thanks for watching my videos.